in this section we will discuss economic integration with the help of custom unions and free trade areas i will discuss some basic concept basically uh, free trade ki jab start from the start to talk about david ricardo and uh, adam smith to concept i uske baad next development ट्रेड वो ये था कि नेशंस का एक दूसरे के करीब आना एंड दैन जो नाइनटीन थर्टीज़ के बाद जो एक्सपीरियंस uh, किया पूरी दुनिया ने द पॉलिसी ऑफ बेगर द नेबर उसके बाद ये रिलइज़ किया गया द नेशन शुड ओपन अप देयर इकानीज एंड अल्टीमेटली आपके पास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरफ एंड ट्रेड वो इंट्रोड्यूस हुआ इन नाइनटीन फोटी एट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एंड देन अब मुख्तलिफ़ फॉर्म्स के अंदर कंट्रीज़ ये चाह रही हैं कि वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकें और इकनॉमिक uh, इंटीग्रेशन से मुराद ये है कोई एक नेशन कितनी हद तक या किस लेवल तक दूसरी कंट्रीज़ के साथ ओपन uh, है टूवर्ड्स डिफरेंट आइडियाज़ एंड वेन वी टॉक अबाउट इकनॉमिक इंटीग्रेशन तो वहाँ पर इकनॉमिक uh, एस्पेक्ट्स में वो कितना पूरी आ, कितना इंटीग्रेट करती है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इट इज़ रेफरिंग टू द कमर्शियल पॉलिसी या जिसे आप ट्रेड पॉलिसी कहते हैं आ, यहाँ पे हम जरा ट्रेड पॉलिसी में डिस्क्रमिनेशन रखते हैं जब हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि जब आप इकनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो आप टैरिफ रेट को खास तौर पे या ट्रेड पॉलिसी इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि कुछ कंट्रीज़ के लिए आप ट्रेड बैरियर्स को थोड़े से लूज करते हैं और अल्टीमेटली एक ये आ, मोटो लेके चलते हैं कि इफ वी इफ वी आर ज्वाइनिंग हैंड टुगेदर तो जिसके हाथ हमारे हाथ में है फॉर दोज पर्पज फॉर दोज पीपल या फॉर दोज नेशन वी आर रिड्यूसिंग टेरफ तो ये एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का आइडिया था जो इवॉल्व हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो सबसे पहले जो आ, हम बात करते हैं इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट की जो आ, इस मॉड्यूल के अंदर हम देख रहे हैं दैट इज़ प्रिफेंशल ट्रेड एग्रीमेंट कंट्रीज इसके अंदर ये होता है कि आपके पास जो नेशंस हैं वो मेंबर कंट्रीज किसी भी फॉर्म के अंदर एक ट्रेड एग्रीमेंट्स का एक यूनियन सॉर्ट ऑफ बनती है जहाँ परिफेंशल ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाते हैं और जो उस एग्रीमेंट के अंदर सपोज आता है कंट्री या जो उस सिग्नेटरी होता है उस एग्रीमेंट का उन नेशन से टैरिफ रेट कम लिए जाते हैं या जैसे सपोज़ हम बात करते हैं इफ़ आई विश के ये हो ऐसा कि हम साउथ एशियन कंट्रीज मिल के ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा बहुत होता है रीजनल ट्रेड का रीजनल ट्रेड से मुराद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर आपके पास एक पर्टिकुलर रीजन की कंट्रीज़ मिल के आ, जो है वो ट्रेड से फ़ायदा उठा रही होती हैं एंड वन ऑफ़ द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ यूरोपियन यूनियन जहाँ पे बहुत सी कंट्रीज़ जिनके बॉर्डर मिले हुए हैं वो इवन कॉमन करेंसी भी यूज़ करते हैं तो वापस चलते हैं इसकी तरफ सपोज़ ये एक आइडिया है कि अगर सपोज़ साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर ट्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो यहाँ पे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान इंडिया नेपाल नेपाल श्रीलंका भूटान तो ये सारे मिलते हैं तो अगर ये मिल जाते हैं तो आपस में एक टैरिफ रेट अपने लिए सेट कर लेंगे कि हम लोगों ने सपोज़ एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़ के ऊपर इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म ये इतना सिंपल नहीं होता लेकिन फॉर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ये ज्यूम करते हैं कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कमोडटीज़ के लिए ये कंट्रीज़ कहती हैं कि हम फाइव परसेंट इंटरेस्ट रेट टैरफ रेट रखते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए दे आर इंडिपेंडेंट टू अप्लाई एनी एनी रेट ऑफ टैरिफ लाइक अगर पाकिस्तान इन मेंबर कंट्रीज से फाइव परसेंट के हिसाब से चलता है एंड रेस्ट ऑफ द कंट्रीज पे वो अपने हिसाब से कुछ भी टैरिफ जो है वो रख सकता है लाइक सेवन परसेंट नाइन परसेंट बट दैट मस्ट बी हायर देन दिस टैरिफ रेट इसकी एक एग्जाम्पल थी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ प्रेफरेंस स्कीम ये नाइनटीन थर्टीज की बात है ये आ, जो आ, ब्रिटिश ने ये बनाई थी और कुछ Uh, वहाँ के कंट्रीज उसके रीजनल मोस्टली कंट्रीज थे अब बहुत से कंट्रीज इसके अंदर आ चुके हैं कॉमनवेल्थ के अंदर नेक्स्ट uh, एक uh, जो है वो फ्री ट्रेड एरिया का नाम दिया जाता है दैट इज़ फॉर्म ऑफ इकनॉमिक इंटीग्रेशन जहाँ पे आइडिया सेम लाइक प्रिफेंशल ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरह ही है कि आपके पास जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है जहाँ पे फ्री ट्रेड एरिया बनता है और टेरफ रेट को मिनिमम फॉर्म में लिया जाता है और इवन तमाम ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दिए जाते हैं जिसमें एक बेहतरीन एग्जांपल जो आपको नज़र आती है यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया की बात होती है या नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है तो यूरोपियन फ्री ट्रेड की बात अगर हम इस पर्टिकुलर फ्री ट्रेड एरिया की बात करें तो यहाँ पे यूके uh, और इसके सराउंडिंग्स में मोस्टली कंट्रीज़ uh, वो uh, आती हैं उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया हुआ है इसी तरीके से नॉर्थ uh, अमेरिका के अंदर भी तीन कंट्रीज़ हैं प्राइमरली जिन्होंने uh, आपस में मिल एक एग्रीमेंट किया हुआ है जिसके थ्रू उन कंट्रीज़ के अंदर जो ट्रेड है वो टोटली फ्री फॉर्म के अंदर हो रही है मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो कॉमोडिटीज़ की ट्रेड है तो ये यू एस ए बेसिकली उसने ओरिजिनेट किया था यू एस एंड आई गेस कैनडा एंड मैक्सिको थ्री कंट्रीज़ देयर सो पर एक फॉर्म ऑफ कस्टम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सकती है जहाँ पे फ्री ट्रेड एरियाज़ क्रिएट किए जाएँ